मध्य प्रदेश के कटनी जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक पर कथित तौर पर एक पत्रकार के अपहरण और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। कटनी जिले के पत्रकार रवि कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता में भाजपा विधायक पर अवैध उत्खनन के लगे आरोपों के आधार पर YouTube चैनल पर खबर प्रसारित की गई थी, जिसके बाद भाजपा विधायक संजय पाठक ने अपने साथियों के साथ पहले उनका अपहरण कराया और एक रेस्टोरेंट में ले जाकर मारपीट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई है कि पत्नी बेटी बहनों के साथ दुष्कर्म जैसे कृत्य कराए जाएंगे। रवि गुप्ता ने अपने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया कि 23 मई की रात को उनके निवास पर कुछ लोग आए, घर के बाहर बुलाकर कार में जबरन बैठाकर एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया, जहां भाजपा विधायक संजय पाठक अपने कुछ साथियों के साथ वहां मौजूद थे। उनका आरोप है कि विधायक पाठक और उनके साथियों ने काफी देर तक उनके साथ मारपीट की और फांसी के फंदे तक पर लटकाने की कोशिश की। इन सभी लोगों के पास हथियार थे। गुप्ता का आरोप है कि उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए और धमकी दी गई कि इस घटना से किसी को अवगत कराया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसका यह भी आरोप है कि उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। गुप्ता ने दावा किया है कि वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देने गए थे तो पुलिस अधीक्षक ने संजय पाठक का नाम आते ही मिलने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने आवेदन लेकर अपनी मुहर लगाई है, जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक ने उनके बयान दर्ज किए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने बताया कि उन तक रवि गुप्ता की कोई शिकायत आई ही नहीं है। आवक जावक में हो सकता है शिकायत दी हो, फिलहाल उनकी जानकारी में ये मामला नहीं है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया का कहना है कि सोशल मीडिया से उन्हें इस बात की जानकारी हुई है कि किसी पत्रकार को जनप्रतिनिधि के द्वारा धमकी दी गई, इस मामले की जांच कराई जाएगी। केडिया के अनुसार शहर में बड़ी संख्या में फर्जी पत्रकार भी सक्रिय हैं, उन पर भी पुलिस की नजर है और जांच कराई जा रही है, वहीं दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार रवि गुप्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा विधायक संजय पाठक से संपर्क भी किया गया, मगर उनसे बात नहीं हो पाई। पाठक के कार्यालय से भी लगातार संपर्क किया गया, मगर सफलता नहीं मिली।